तो गाइस कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास है बोट की तरफ से बोट वेव स्टाइल कॉल। दोस्तों पहले इसे विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग लॉन्च किया गया था लगभग 1200 रुपए में, अभी इसे कॉलिंग के साथ लॉन्च किया गया है 2000 रुपए में। और दोस्तों इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया था, बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, बॉक्स के ऊपर में बोट की ब्रांडिंग और दोस्तों मेड इन इंडिया बाई इंडियन ब्रांड भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो इसे प्रॉपर इंडिया में बनाया गया है। और दोस्तों वॉच की एक पिक्चर भी इन्होंने दे रखी है, बैक साइड में दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे हैं, वो मैं वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा। बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो थैंक यू कार्ड मिल जाएगा, वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा और दोस्तों कुछ कैटलॉग वगैरह भी दे रखे हैं। और दोस्तों आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, केबल की क्वालिटी मुझे ठीक लगे, लेंथ भी काफी ठीक ठाक है। और दोस्तों मैग्नेटिक चार्जर इसमें आपको मिल जाएगा, कुछ स्टिकर वगैरह भी मिल जाते हैं। भाई अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। डिस्प्ले पे दोस्तों इन्होंने एक स्टिकर चिपका रखा है, वो मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ, डिस्प्ले कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। कि बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटेड किया है क्योंकि इस प्राइस में बहुत सारे स्मार्ट वॉच ऐसे हैं जो मेटल डायल के साथ स्मार्ट वॉच दे रहे हैं, इसमें इन्होंने प्लास्टिक का यूज किया है। और दोस्तों जो क्राउन बटन है वो इन्होंने मेटल से बनाया है, बैक साइड में दोस्तों पॉलीकार्बोनेट का यूज किया, सारे सेंसर चार्जिंग पिंस, इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, यहाँ पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्टेप की क्वालिटी की बात करूँ तो स्टेप की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी, सॉफ्ट काफी ज्यादा है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो आपके हाथ में रैसेस वगैरह नहीं आएंगे। और दोस्तों बकल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है। दोस्तों डिस्प्ले की तरफ आते हैं, डिस्प्ले आपको 1.69 इंचेस HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। अभी दोस्तों आउटडोर में से लेके खड़ा हूँ, वहाँ पे मुझे कम विजिबिलिटी इसमें लगी है, अगर आप फुल ब्राइटनेस पे भी इसे यूज़ कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे, ये पक्का है। और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा मुझे लैग करता हुआ दिखा था, शायद मेरी स्मार्ट वॉच में ये प्रॉब्लम है, अगर आपके में भी ये प्रॉब्लम है तो दोस्तों वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो ये वॉच आपको IP68 रेटेड मिल जाती है, पानी वगैरह में लेके जा रहे हो तो यूज कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों स्विमिंग के लिए लेके जा रहे हो तो वहां पे आपको आधे घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो बोट क्रेस्ट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस वाले वॉच फेस से आपको इसके बेजल्स वगैरह समझ में आ जाएंगे। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसके UI और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों UI मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप राइट टू लेफ्ट स्वैप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप्स काउंट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा, स्लीप मॉनिटर देखने को मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है। आप स्वैप डाउन कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिलता है, बैटरी स्टेटस चेकआउट कर पाएंगे, D&D मिल जाएगा, अलार्म, यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है। अगर आप सेटिंग में जाए तो दोस्तों सेटिंग में सबसे पहले आपको वॉच पेज स्क्रीन स्लिप देखने को मिलेगा, बैकअप एंड गेस्चर मिल जाएगा, वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब सिस्टम, और यहाँ पे आपको डाउनलोड ऐप मिल जाएगा अबाउट। लेफ्ट टू राइट स्वैप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है, अगर आप स्वैप अप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव क्रिकेट स्कोर वाला भी फीचर देखने को मिलता है। आप मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है मेनू, मेनू में सबसे पहले आपको मिल जाएगा कॉल, अगर आप कॉल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायल अप एंड फोन बुक कॉल हिस्ट्री मिल जाएगा। एक्टिविटी में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारी स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर मिल जाएगा, SPO2 मॉनिटर, ब्रीथ एक्सरसाइज, नोटिफिकेशन सेक्शन, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म मिल जाएगा, फ्लैशलाइट, कैमरा कंट्रोल मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, और आपको सेटिंग, और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। तो ये थे वॉच के फीचर, और भाई कोई खास फीचर के साथ ये वॉच आपको नहीं मिलती है, बहुत सारे फीचर मुझे मिसिंग भी लगे हैं, जैसे कैलकुलेटर, गेम्स भी इसमें आपको नहीं मिलते हैं। बैटरी बैकअप की बात करूं तो अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो वहां पे आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे लगभग 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच आपको देने वाली है। तो सेंसर की एक्यूरेसी की बात करूं तो इन सब वॉच के जो सेंसर होते हैं वो कोई सर्टिफाइड सेंसर नहीं होते, सिर्फ
सिर्फ आइडिया लेने के लिए आप इसे यूज करो। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट यूज करना है, तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। रेट को दोस्तों चेकआउट किया तो मेरी वॉच में 69 बीट्स पर मिनट दिख रहा है और दोस्तों मेरे प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 70 दिख रहा है, तो दोस्तों काफी क्लोज मुझे यहाँ पे रीडिंग इसके लग रहे हैं। SPO2 मॉनिटर भी दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरी वॉच में 96% दिखा रहा है मेरे ब्लड में ऑक्सीजन है और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 97 दिख रहा है। हार्ड सरफेस पे रख के देखा तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी से पॉप अप शो कर रहा है, तो बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है इसमें। तो वॉच पहनने पे कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अगर आपकी कलाइट थोड़ी मोटी है तो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, अगर आपकी कलाइट थोड़ी पतली है तो वहां पे काफी सही लुक आपको मिल जाता है और दोस्तों लाइट वेट काफी ज्यादा है, अगर आप इसे स्लिप ट्रैकिंग के लिए यूज करोगे तो कर पाओगे और बेकअप एंड राइज भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है जहां से आप अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाओगे और दोस्तों क्विक रिप्लाई करने का भी फीचर इसमें आपको मिल जाता है। तो रिसीव करने के बाद आपको कॉल को ट्रांसफर करने का फीचर दिखता है, डिस्कनेक्ट कर पाएंगे और दोस्तों वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। कॉलिंग वाले फीचर को भी टेस्ट करके देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हेलो, हाँ मैंने एक वॉच परचेज किया है बोट बेब स्टाइल कॉल, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ, तो ये बताओ इसके माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर है, मैं आपको अच्छे सुन पा रही हूँ। ओके, कोई डिस्टॉर्शन या ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूर से बात कर रहा हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं लग रहा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ओके, अभी बताओ अभी किस तरीके से आवाज आ रही है? अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। तो भाई अब बात आती है 1899 में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको सारे फीचर अच्छे से समझाए, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर दोस्तों आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ इस स्मार्ट वॉच को, क्योंकि दोस्तों इससे भी बेटर बहुत सारे मार्केट में स्मार्ट वॉच है जो 2000 रुपये में अच्छा डिस्प्ले, कॉलिंग और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यही था बोट बेब स्टाइल कॉल स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।